हम बात करेंगे कि अगर कोई ओपन टैंक है तो उसमें हमें कोई डीपी ट्रांसमीटर लगाना है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। तो ये मान लीजिए मेरा कोई ओपन टैंक है, इसमें मैंने ये बॉटम पे ही ट्रांसमीटर लगा दिया है, डीपी ट्रांसमीटर। इसमें जो एसपी लेग है वो टैंक के बॉटम से कनेक्ट रहेगी और एलपी लेग जो है वो हम एटमोस्फेयर में ऐसे छोड़ देंगे। ये मेरे कोई लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक रेट पी 0.9 है और इससे पी 18 हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो अब बात करते हैं कि जब जीरो लेवल होगा तो कितना डीपी जनरेट होगा। तो जीरो लेवल पे ये टैंक के बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ है ट्रांसमीटर, इसलिए 0 mmWc रहेगा। अब बात करते हैं स्पान पे, तो स्पान पे क्या होगा, हमारी जो हाइट है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हाइट मेरी 500 है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो ये आ जाएगा हमारा 450, मतलब 450 mmWc। तो हमारी रेंज जो हो जाएगी वो पड़ जाएगी 0 से 450 mmWc। अब ये तो हो गया हमारा जब बॉटम पे लगा हुआ है। किसी किसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि टैंक के नीचे लगाते हैं हम ट्रांसमीटर, तो उसको बोलते हैं जीरो सप्रेशन। और अगर हम टैंक से ऊपर लगा रहे हैं कोई ट्रांसमीटर तो उसको बोलते हैं जीरो एलिवेशन। तो अब मान लीजिए मैंने ये टैंक के बॉटम से 100 mm नीचे लगा दिया है कोई ट्रांसमीटर, तो क्या हमारी रेंज बनेगी। तो जीरो लेवल पे क्या होगा, अब जब जीरो होगा तो इस जगह पे लिक्विड मेरा भरा रहेगा, यहाँ ए टोटल भरा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी 100 × 0.9, क्योंकि यही वाला लिक्विड जाके इस लाइन में भरा रहेगा। तो ये मेरी हो जाएगी 90 mmWc। अब स्पान पे क्या रेंज आएगी, स्पान पे हो जाएगी अब मेरी ये वाली लेन प्लस H2 लेंथ, दोनों मिला के जो आएगी वो इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये मेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो 100 + 500 × 0.9, तो ये मेरा हो गया 540 mmWc। तो रेंज मेरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 92 − 540 mmWc। ठीक है, ये हमारी एक बुक है, और इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लोज टैंक में कैसे हम डीपी रेंज निकालते हैं।